इस पोस्टर को देखिए और जोर से कहिए, मान गए योगी जी। दंगा ना हो उसके लिए रामबाण इलाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला, उसका भी समाधान होगा। लखनऊ के मशहूर हजरतगंज चौराहे पर वो लंबा चौड़ा पोस्टर लगा दिया गया जिस पर लखनऊ में हिंसा फैलाने के आरोपियों की तस्वीरें चिपकाई गई। वो हिंसा जो 19 दिसंबर को लखनऊ की सड़कों पर हुई थी, और इस पोस्टर में सिर्फ उनकी तस्वीर ही नहीं छपी है बल्कि प्रशासन की तरफ से उनके गुनाहों की दुहाई भी दी गई है। देखिए, अभी तक स्वयं आकर के किसी ने भी राजकीय कोष में धनराशि नहीं जमा की गई है, और इसी के कारण इन लोगों के जो डिटेल्स हैं इन डिटेल्स को पब्लिक भी किया गया है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों का, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई गई है, उसका नाश किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने अपनी वसूली की कवायद शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं लखनऊ के एक सबसे बड़े चौराहे पर इस वक्त बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें उन लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं जिनसे रिकवरी की जानी है, और इस तरह के होर्डिंग्स और बैनर शहर के तमाम हिस्सों में लगाए गए हैं जिससे कि लोग जान सकें कि हिंसा करने का नतीजा क्या होता है और सरकार इनसे किस तरह से वसूली कर रही है। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 28 तक और उसके अलावा तमाम और दूसरी जगहों पर जो पोस्टर लगे हैं उनमें बाकायदा उन आरोपियों की तस्वीरें हैं जिनके नाम पते के साथ यहाँ पर फोटो लगाई गई, और ये भी बताया गया है कि कितनी वसूली होनी है। जैसे इसमें साफ तौर पर लिखा है 64,37,637 रुपए इन लोगों के पास से वसूले जाने हैं, और उसकी एक निर्धारित तारीख भी दी गई है कि तब तक दिया जाए वरना उनकी संपत्ति और उनकी जो भी चीजें होंगी वो कुर्क की जाएंगी। ये पोस्टर उन लोगों के लिए एक सबक है जो उन्माद में आकर हिंसा फैला देते हैं। भरे चौराहे पर पोस्टर लगाकर लखनऊ प्रशासन ने 30 दिनों के भीतर उनसे नुकसान की भरपाई की रकम जमा करने को कहा है। हजरतगंज चौराहे पर लगा ये दूसरा पोस्टर है। इन पोस्टरों को देखिए, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ की सड़कों पर हिंसक प्रोटेस्ट किया था। ये वो तमाम नाम है। एक बड़ा नाम सैफ अब्बास का है। ये सैफ अब्बास मौलाना है और इनके फॉलोअर्स भी बताए जाते हैं। इस पोस्टर में कई बड़े नाम हैं, जैसे पूर्व आईपीएस अफसर दारापुरी, जिनके परिवार वालों से मिलने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जफर, मौलाना सैफ अब्बास और रंगकर्मी दीपक मिश्रा जैसे नाम भी शुमार हैं। ऐसे कुल 58 लोगों के चेहरे हैं। इन सभी पर लखनऊ में 19 दिसंबर को हिंसा भड़काने का आरोप है। लखनऊ प्रशासन ने इन्हें वसूली का फाइनल नोटिस जारी किया था। अब इनके चेहरे बीच चौराहे पर लगा दिए गए हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक है, तो क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये इतना खतरनाक है, जैसे जिस तरह का माहौल है दिल्ली दंगों के बाद, कि आपने ये जितनी फोटो लगाई हैं, मैं तो कहता हूं उन पे माले भी चढ़वा देने चाहिए थे, क्योंकि ये फैनेटिक लोगों को गुमराह करके मॉब लिंचिंग तक भी ले जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहां दंगा रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने नायाब फॉर्मूला निकाला, लेकिन क्या दिल्ली में हिंसा रोकने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही? तो इसीलिए कि उसकी रहनुमाई ठीक से नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में हिंसा के 2 आरोपी तो पकड़ में आ गए, चाहे वो शाहरुख हो या ताहिर हुसैन, लेकिन अभी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। क्या दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस से सबक लेगी? शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।